नवसारी जिले में पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले पूरा नवसारी जिला बाढ़ की चपेट में आ गया था। हालांकि पिछले 2 दिनों से बारिश कुछ थमी तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन बुधवार रात दोबारा बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार बारिश ने दोबारा बाढ़ के हालात बना दिए हैं। तो वहीं पूर्णा, अंबिका और कावेरी नदियों में बाढ़ आने से हालात और भी गंभीर बन गए हैं। तो वहीं नवसारी के बंदर रोड से लेकर पूर्णा नदी तक उत्तर दिशा की सभी निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। यहां 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो वहीं मौसम विभाग ने मंगलवार को ही नवसारी समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था। इससे नवसारी के जिलाधिकारी अमित प्रकाश यादव ने शहरवासियों के नाम एक संदेश भेजकर कहा था कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। बुधवार रात भर नगर पालिका की रेस्क्यू टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाती रही। नवसारी जिले में बाढ़ से करीब 40,000 लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 14,000 लोग बेघर हो गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान गांवों में हुआ है, जहां सैकड़ों कच्चे मकान ढह गए और फसलें चौपट हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।